हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के अब इन दो लेक्चर्स के अंदर अपन जो आंतरिक शक्तियां हैं उनमें दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है। पिछले लेक्चर्स में हमने भूकंप के बारे में अध्ययन किया था, अब इन दो लेक्चर्स के अंदर अपन ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से विश्व में क्षेत्र हैं, भारत के कौन कौन से जोन्स हैं जो इस कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। जहाँ तक ज्वालामुखी का परिभाषा के रूप में एक शब्द आता है, दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक लावा होता है, एक मैग्मा। मैग्मा जो है जब तरल अवस्था के अंदर होगा तो मैग्मा कहलाएगा, और मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है तो लावा का फॉर्म लेता है। परिभाषा के रूप में ज्वालामुखी वह क्षेत्र है जिसे मैग्मा या राख देखते हैं कि जलवाष्प रूप में बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा या गैसों के उत्पन्न होने से भूपटल के नीचे या ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल में ठोस होने की समस्त प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। अब ओरिजिन ऑफ दी, जब इसमें उत्पत्ति से लेके इसे आकृतियों से लेके और समाप्ति तक का सारे के सारे जो है वो इसके अंदर सम्मिलित होंगे कि आकृतियां जो जो बनती हैं। मैग्मा का ये उद्गार केंद्रीय विस्फोटक के रूप में या दरारी उद्भेदन के रूप में हो सकता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। उसी के आधार प्रकार बनेंगे कि क्रेटर से बाहर निकल सकता है या बाहर की दरारों क्रैक्स के द्वारा जो है मैग्मा बाहर निकलता है वो उसका प्रकार बताएगा। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ज्वालामुखी में विस्फोट उद्गार देखने को मिलता है। सिलिका की मात्रा है जो इसको विस्फोट को निर्धारित करती है, जबकि सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्राय शांत रहते हैं। वर्तमान समय में मैग्मा तथा लावा की आग्नेय शैलों का वर्गीकरण रासायनिक और खनिज संगठन के आधार पर किया जाता है। खनिजों के हल्के रंग या गहरे रंग के दो कैटेगरी में विभक्त किया जा सकता है, पर डिस्कस करेंगे नाउ। जब इसके पार्ट्स एक ज्वालामुखी को देखेंगे, आंतरिक भाग से मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है और दरारी भाग अगर मिलता है तो उसे धरातल पर आता है, नहीं तो क्रेटर जो है वो मुंह को तोड़कर जो है बाहर निकलता है। क्रेटर से राख जो है गैसेस वगैरह गैसें निकलती हैं। नौ, दरारी जो किनारों की तरफ से जो मैग्मा बाहर निकलता है क्रैक्स के द्वारा जो है ज्वालामुखी में दरारी उद्भेदन के समय भूगर्भ से बैसाल्ट मैग्मा भूपटल पर छोटी छोटी लेयर शीट के रूप में प्रकट होता है, और ये क्योंकि तो तरल अवस्था में है और क्षैतिज हॉरिजेंटल धरातल के समानांतर इसके परतें जम जाती हैं। गहराई इसकी अलग अलग गहराई में भी देखने को मिल सकता है, और लावा का पठार का निर्माण, दक्कन का पठार एक उदाहरण ले सकते हैं अपन, उसका एक बहुत बड़ा दक्कन का पठार बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमेरिका का कोलंबिया का लावा पठार ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा केंद्रीय उद्गार, मतलब मुंह के ऊपर से सेंट्रली जो निकलता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकासी नली के चारों ओर लावा के शंकुओं के रूप में जमने से शंकु का निर्माण होता है, जबकि इसका मध्य भाग एक टीपाकार शेप फनल शेप गर्त के रूप में विकसित होता है। उनमें उपस्थित पदार्थों को रासायनिक संरचना और संगठन के अनुसार ज्वालामुखी शंकु के प्रकार से होते हैं, जैसे सीडर शंकु है, मिश्रित है, कंपोजिट शंकु है, लावा शंकु है, परिशोधित है। ये कॉन्स के प्रकार अलग अलग अपन अब आगे डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी से जहाँ आकृतियां बाद में एक एक डायग्राम्स के साथ अपन डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी लावास के जमाव से निर्मित आंतरिक, इसको दो वर्गों में लिखेंगे, आंतरिक और बाह्य आकृतियां। और आंतरिक आकृति के अंदर ये आग्नेय शैलों में भी पड़ेंगे, आग्नेय शैलों के प्रकार के अंदर भी आपको यही आकृतियां देखने को मिलेंगी। जैसे बैथोलिक है, बड़ी मात्रा में अंदर बहुत बड़ा जमाव अगर मैग्मा होता है तो बैथोलिक की श्रेणी के अंदर आते हैं। और कुछ कुछ जो है वो अवसादी चट्टानों के अंदर मैग्मा अलग अलग प्रकार से ठंडा होने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है विभिन्न रूप में आकारों में लेता है, लेकोलिथ है, फेकोलिथ है, ये अलग अलग रूपों में आप शीट है, सिल है, डाइक है, अलग अलग रूपों में जमना है। वो उसका किस रूप में वो जमा हुआ है, वो क्षैतिज जमा हुआ है, लंबवत जमा हुआ है, वो स्टॉक के रूप में, शाखा के रूप में जमा हुआ है, निर्भर करेगा। एक अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में अपन ने जो अंडरग्राउंड वाटर भूमि के जल के अंदर अपन पढ़ा था, वहां पर गीजर के संबंध में पढ़ा था कि ये जल के स्रोत हैं, और ये ज्वालामुखी दरारी उद्गार क्रिया से कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा जो है वो पानी के संपर्क में आने के कारण तो वो है गैसीय उद्गार फॉर्मेशन हो जाता है, और वो फिर विस्फोट के साथ जो है वो पानी बाहर निकलता है। ज्वालामुखी के विस्फोट उद्गार से निर्मित होने वाली स्थल आकृतियों को बाह्य मैंने भी कहा डिस्कस, और आंतरिक और बाह्य अभी अपन पढ़ेंगे। काले डेरा शंकु जो है ज्वालामुखी के उद्गार घटते
तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी शंकुओं को ये अलग अलग प्रकार आएंगे। जैसे जैसे ज्वालामुखी धीरे धीरे बढ़ शांत होता हुआ चला गया, ये उसके प्रकार आएंगे। जैसे पीलियन तुल्य है, वेलकैनो है, वेलकोना तुल्य है, स्ट्रैम्बेलो तुल्य है, हवाईयन भी है। प्रकारों में बांटा जा सकता है, चार मुख्य प्रकार आते हैं। ये उद्गार जो मैग्मा के जो उत्पत्ति की और बार बार कितनी बार से होता है, तो धीरे धीरे जो है ज्वालामुखी शांति शांत प्रक्रिया की ओर जाता है। और शांत सुषुप्त ज्वालामुखी भी होते हैं, शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं, और सक्रिय ज्वालामुखी। तीन कैटेगरी के अंदर बाद में अपन इनको देखेंगे। तो इसके प्रत्येक अलग अलग उद्गार वाले पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंके को प्राय तोड़ते हुए जो खून को जो है जब मैग्मा बाहर निकलता है तो पूरा जो पुराना वाला कोट है उसे तोड़ता है, तोड़ कर फिर दोबारा से नए शंकु का निर्माण करता है और मैग्मा बाहर निकलते हैं। जो सर वेल्केनो तुल्य ज्वालामुखी में है, अम्लीय से लेकर क्षारीय में प्रत्येक प्रकार के मैग्मा का उद्गार होता है। गैसों के अत्यधिक निष्कासन के कारण जो है आकार जो बन जाते फूल के गोभी के आकार से ज्वालामुखी में दूर तक छा जाते हैं। पीलियन प्रकार के जो ज्वालामुखी उद्गार को भी इसी प्रकार में रखा जाता है। स्ट्रैम्बेलो तुल्य ज्वालामुखी के अम्ल की मात्रा कुछ कम होती है, तथा यदि गैसों का प्रभाव मार्ग में यदि रुकावट न है तो सामान्यतः इसमें विस्फोटक उद्गार नहीं होते। हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी का उद्गार जो है अत्यंत शांत होता है, क्योंकि लावा तरल व क्षारीय होता है, इसमें दूर तक फैल कर जमा हो जाता है। और ज्वालामुखी जो शंकु है वो कम ऊंचाई के निर्मित होते हैं। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो निर्भर करेगा कि ज्वालामुखी जो है किस प्रक्रिया है। जहां तक विभाजन का संबंध लेते हैं तो इसे दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। उद्गार की अवधि के कारण मैंने कहा था सक्रिय सुषुप्त और शांत जो है वो सक्रिय जो वर्तमान में सक्रिय हैं जिनसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। सुषुप्त जो है शांत है मगर कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है। शांत जो है उनमें अधिकांश जो है उनमें विस्फोट की क्रिया संपन्न हो चुकी है और वो बिल्कुल शांत है। इनके जो उद्गार के स्वरूप के आधार पर जो है केंद्रीय उद्गार दरारी उद्गार अपन ने डिस्कस किया था। हवाई तुल्य स्ट्रैम्बेलो वेलकन और पीलियल ये पिछले स्लाइड में अपन ने देखा कि इन चार आधारों पर इनको देखा जा सकता है। ना जो कोन का जब विभाजन करते हैं ज्वालामुखी कोन जो बनता है पहला बनता है सेंटर सिंड्र कौन जो है। इस प्रकार के शंकु प्राय कम ऊंचाई के होते हैं तथा इनके निर्माण में मुख्यतः ज्वालामुखी राख व विखंडित पदार्थों का योगदान होता है, तरल पदार्थों का योगदान प्राय नहीं होता है। इस तरह के शंकु का ढाल अवतल होता है तथा क्रेटर अधिक चौड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मैक्सिको और पेरिक्यूटियन पर्वत, जेरलो पर्वत, सान सेंडोर, मिल्को पर्वत, फिलीपींस में लुजोनो द्वीप, कैमेग्यून पर्वत, ग्वाटेमाला, वल्केनो डू फ्यूगो आदि पर्वत। दूसरा जो प्रकार आता है लावा शंकु, लावा कोन। इस प्रकार के जो शंकु के निर्माण में अम्लीय से लेकर क्षारीय तक किसी भी प्रकार के तरल मैग्मा के उद्गार की भूमिका होती है। लावा शंकुओं को पुनः अम्लीय व क्षारीय प्रकार में बांटा जा सकता है। तीसरा जो आता है वो एसिडिक लावा कोन, अम्लीय लावा शंकु। इस प्रकार के शंकु का निर्माण उस समय होता है जब ज्वालामुखी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक हो जिसमें वह भाग अधिक चिपचिपा और लहरदार हो जाता है तथा तीव्र विस्फोट उद्गार के साथ भूपटल से बाहर प्रकट होता है। ऐसे ज्वालामुखी शंकु अधिक ऊंचाई या कम क्षेत्रीय विस्तार वाले होते हैं। इसी वर्ग में अभी अपने डिस्कस पीलियन तिल्यु वेल्केनियो तुल्य और स्ट्रैम्बेलो तुल्य ज्वालामुखी को रखा जाता है। क्षारीय कोन जो है एल्कलाइन लावा कोन, जब ज्वालामुखी लावा क्षारीय हो अर्थात तो उसमें सिलिका की मात्रा कम हो तो वह हल्का और पतला हो जाता है, दूर तक फैल कर ठंडा होता है, जिससे कम ऊंचाई में अधिक क्षेत्रीय विस्तार लिए हुए ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी को इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे हवाई द्वीप का जो उदाहरण के लोग तौर पर लेते हैं मोनोलो ज्वालामुखी क्षारीय शंकु शील शंकु भी कहा जाता है इस कैटेगरी के अंदर। पांचवा जो आता है वो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के कैटेगरी में लेते हैं। यह है ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार से अम्लीय से लेकर क्षारीय हर प्रकार के लावा का उद्गार तथा साथ ही सिडर व राख की ज्वालामुखी उद्गार में शामिल हो, अत्यधिक विस्तृत सुडोल व ऊंचे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है इसके अंदर। इसमें तरल लावा सिडर विखंडित पदार्थों के संयोग जगह निर्माण होता है। जापान का फ्यूजियामा ये काफी आपको उदाहरण के मिलेगा। फ्यूजियामा फिलिंस का मेओना, संयुक्त राज्य का अमेरिका का रेनियर हुड सस्ता आदि मिश्रित प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण हैं।
परिपोषित या आश्रित शंकु जो है वो जब ज्वालामुखी का विस्तार अधिक हो जाता है तो उनके मुख्य नलिकाएं कभी कभी फटने के कारण उप नलिकाएं शाखाएं अलग कई कॉन्स डेवलप हो जाते हैं। इसमें ज्वालामुखी शंकु के ढाल का एक अन्य ज्वालामुखी शंकु निर्मित होता है, इसे ही परिपोषित शंकु कहा जाता है। संयुक्त राज्य माउंट आस्तीन माउंट आस्था को इस श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इन्हीं उदाहरणों को जब मैप में देखते हैं तो अपन जो कॉन्स के सिल जाता है शील्ड वेल को आपको क्या, तीसरा डोम वेल को के फॉर्मेशन, वेलकनों के फॉर्मेशन, एस एन सिडार के मैंने डिस्क्राइब किया। कंपोजिट के अंदर देखो दरारी दरारी भाग से भी और केंद्रीय उद्गार से भी। उसके बाद कैलडेरा वेलकनो आप बहुत बड़ा जो है जो मुंह बन जाता है, कॉलडेरा विकसित हो जाता है, कॉलडेरा का फॉर्मेशन हो जाता है और एक कॉलडेरा के अंदर भी छोटे छोटे कई शंकु विकसित हो जाते हैं। लावा डॉट या ग्रीवा या डायट्रम इस प्रकार के स्थल स्वरूप उस समय निर्मित होते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा अत्यधिक अम्लीय व सिलिका युक्त हो। इस तरह की स्थिति में लावा को एक कठोर पट्टी ज्वालामुखी नलिका या वीबर क्रेटर में जमा हो जाता है। ये ज्वालामुखी शंकु का वीबर ज्वालामुखी लावा से भर जाता है तो इसे ज्वालामुखी प्लग या लावा डॉट कहा जाता है। नलिका में जमा हुआ लावा पट्टी ज्वालामुखी ग्रीवा कहलाती है। इन दोनों स्थलों को समेकित रूप से डायट्रेम कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू मैक्सिको के शिप रॉक डायट्रेम इसका उदाहरण है, जबकि इसी प्रांत में ब्लैक हिल्स डेविल टावर ज्वालामुखी ग्रीवा के उदाहरण। ये सभी ज्वालामुखी रूप ज्वालामुखी के शांत होने के क्रम से निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से शंकु के ऊपर कीपाकार गर्त दशे हुए भाग जो है वो बन जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आकृति क्रेटर, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर आकृति किससे बनती है, यह ज्वालामुखी के शंकु का ऊपर सामान्यतः मिलने वाला कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। यदि इसमें जल भर जाता है तो क्रेटर झील बन जाती है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये बुलडाना और लोनार झील। लोनार झील का कलर बदलता है, ये काफी महत्वपूर्ण झील है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि ये किस क्रिया से लोनार झील किस क्रिया से विकसित हुई है। कभी कभी एक मुख्य क्रेटर में कई छोटे छोटे क्रेटरों का निर्माण हो जाता है बहुत बड़ा क्रेटर होने के बाद। ऐसा उस समय होता है जबकि अगला उद्गार पिछले उद्गार की तुलना में कम तीव्रता का हो। इस समय के क्रेटर को भोंसलेदार नेशनल क्रेटर नेस्ट जो बनता है क्रेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए फिलीपींस के माउंट ताल में तीन छोटे क्रेटर देखे, क्रेटर के कैल्डेरा के अंदर क्रेटर के अंदर छोटे क्रेटर विकसित हो जाते हैं। क्रेटर का जब बहुत बड़ा आकार विस्तृत हो जाता है तो वो कॉलडेरा का परमिशन ले लेता है और ये क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप में मैंने आप डिस्कस किया। क्रेटर के धसाव तथा विस्फोटक उद्गार से निर्मित स्वरूप माना जाता है। इसमें से प्रथम मत का प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया। उनके अनुसार क्रेटर के धसाव से उसका आकार बड़ा होता जाता है और कॉलडेरा का निर्माण हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण है दोनों के, एक क्रेटर धीरे धीरे कॉलडेरा, कॉलडेरा के आकार के अंदर उसके अंदर भी छोटे छोटे क्रेटर विकसित हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण आकृति है। आप कॉलडेरा का फॉर्मेशन देखें बहुत डायग्राम के अंदर, जब बहुत बड़े आकार विस्तृत आकार हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे और शंकु जो है विकसित हो जाते हैं। ये कॉलडेरा का फॉर्मेशन में पानी भरने के बाद एक झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी द्वारी जो किनारों की तरफ से निकलता है एक महत्वपूर्ण आकृति अपन देखते हैं। ऊपर जो धरातल बनती है वो लावा का पठार, दक्षिण भारत का पठार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दक्षिण ट्रैप जो मैंने कहा आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी बहुत बड़ा उदाहरण इसके अंदर आता है। गीजर अपन ने पढ़ा था कि जब मैग्मा के संपर्क में पानी आता है तो विस्फोट के साथ पानी धरातल पर आता है और ये धार्मिक स्थलों पर कई प्रकार के ऐसे गीजर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ आइसलैंड का जो ग्राउंड गीजर जो है काफी महत्वपूर्ण है, जीके का क्वेश्चन बनता है इस कैटेगरी के अंदर आता है। और दुधारे ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इसमें कैसे ज्वालामुखी निकलता है, गंधक युग द्वारा और सेल्फ तारा कहा जाता है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में कटेमर पर्वत हजारों धुआंधारों की घाटी है। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है, कहा जाता है। ईरान का कोहो सुल्तान धुआंधार, न्यूजीलैंड का जो पैलेंटी खाड़ी में स्थित जो है व्हाइट द्वीप जो है इस कैटेगरी के अंदर सम्मिलित होते हैं।
नहीं, जब इनको हम मैंने दूसरा कैटेगरी अपन ने पढ़ा था सक्रिय के आधार पर, सक्रिय ज्वालामुखी जो है एक्टिव है, जो अभी वर्तमान में सक्रिय हैं, इनकी संख्या जैसे भी दे रहे हैं लगभग वर्तमान में 500 के आसपास पूरी पृथ्वी पर शंकु ज्वालामुखी हैं जो काफी सक्रिय अवस्था में है। दूसरे सुषुप्त जो मैं कह रहा हूँ कि जो पहले विस्फोट हुआ है मगर वर्तमान में वो शांत है, मगर उनमें कभी भी जो है विस्फोट हो सकता है। इसमें जो है इटली का सुसिवेस, जापान का फिजियामा, इंडोनेशिया का काकरोता, अंडमान निकोबार और विभिन्न भारत के संदेह नारकोंडम द्वीप में दिसंबर 2004 के सुनामी के बाद इसमें सक्रियता के लक्षण देखे गए हैं, और मृत ज्वालामुखी जो है जिनमें ये क्रिया संपन्न हो चुकी है, और जो ज्वालामुखी बिल्कुल शांत हो गए हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण जो है उसके अंदर आपको ईरान का देवबंद, वह कोहो सुल्तान, एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांग हुआ आदि काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके अंदर। थैंक यू।